दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि अगर आप दिल्ली में सोलो ट्रेवल करते हो तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी बजट में। मैं दिल्ली जिस टाइम आया था उस टाइम बहुत ठंड थी और टेम्परेचर जो था वो 7 to 8 डिग्रीज तक था। तो यहाँ पे मैंने ये भी ऑप्शंस ट्राई किए कि मैंने ऑनलाइन यहाँ पे मंगाया, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो और स्विगी से, और ये भी एक्सपीरियंस मैं आपको मेरे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। दिल्ली में छोले भटूरे बहुत फेमस है और मेरा दिल्ली में डे वन था और रात का समय था और बाहर ठंड बहुत थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन फूड मंगाऊंगा जोमेटो से। तो मैंने छोले भटूरे ऑनलाइन मंगाए और ये पड़े मुझे 100 रुपीज में। जो छोले भटूरे डिलीवर हुए मुझे वो बहुत फ्रेश थे और अच्छे थे, भटूरे भी गर्म गर्म थे और उसके साथ मुझे गुलाब जाम फ्री मिला था। तो मैंने फर्स्ट डे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं तो बाहर ठंड था इसलिए जा नहीं सका, पर मैंने ये ऑनलाइन मंगाया। नेक्स्ट हमारे लिस्ट पे जो है वो डिपॉल्स जनपद नगर में एक थोड़ा सा जॉइंट है, वहाँ पे आप बहुत सारे स्नैक्स खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने चिकन शोरमा सैंडविच लिया था और ये बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था और इसको मैं मार्क्स दूंगा 10 में से 10 out of 10 बिकॉज ये बहुत टेस्टी था। यहाँ पे आपको कोल्ड कॉफी के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और सैंडविचेस में आपको वेज नॉन वेज ऑप्शन दोनों है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट पे जो है वो है बिरयानी और ये बिरयानी मैंने कैनॉट प्लेस में खाई। मैं जस्ट कैनॉट प्लेस में ऐसे देख रहा था, बहुत सारे शॉप्स और बहुत कुछ देख रहा था, तो ये शॉप मेरे नजर में पड़ा और यहाँ पे आउटलेट लगाया तो लोगों ने 99 रुपीज में बिरयानी, और ये वेज बिरयानी है। बिरयानी मैंने लेने के बाद ये बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा था और ये बिल भी मैंने आपको दिखाया है लास्ट में, इसका स्क्रीनशॉट है, 99 रुपीज का बिरयानी है और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा ये प्लेस। ये बिरयानी का नाम है बिरयानी बटूटा कैनॉट प्लेस में। करोलबाग में मोस्टली आपको खाने पीने के इतने ऑप्शंस मुझे दिखे नहीं, पर दोपहर का टाइम था, 12:30 हो चुके थे और मुझे एक सेव पूरी और चाट का एक थैला दिखा, तो मैं वहां पे गया और मैंने ये सेव पूरी खाई। ये सेव पूरी बिल्ली में इतनी अच्छी थी, ये आपको स्टार्टिंग ऑफ द करोलबाग के जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चालू होता है वही आपको मिलेगा। डेफिनेटली मस्ट ट्राई ऑप्शंस इन करोलबाग। दिल्ली में आए और निजाम्स में आए तो सब कुछ अधूरा है। निजाम्स में आपको कटी रोल मिलेंगे जो बहुत टेस्टी है, थोड़ा कॉस्टली है, इसका जो प्राइस है वो 230 रुपीज तक है, मैंने बिल भी आपको दिखाया है स्टार्टिंग में। और यहाँ पे आप चिकन टिक्का और ये सब रोल्स खा सकते हो। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो आप एग के पोर्शन दो ले सकते हो और चिकन का एक पोर्शन ले सकते हो, दूसरा चिकन के दो पोर्शन ले सकते हो और एग का एक पोर्शन ले सकते हो, और इस पे आपका प्राइस भी डिपेंड करेगा। तो मैंने लिया था एग का एक पोर्शन और चिकन के दो पोर्शन, इसका मतलब चिकन ज्यादा एग कम। तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे और मस्ट ट्राई इन दिल्ली निजाम्स, आपको पक्का आना है। ये कैनॉट प्लेस के यहाँ पे नजदीक है, कैनॉट प्लेस के आप गूगल से आप ढूंढ लेना, ये प्लेस नजदीक में आपको मिल जाएगा और मस्ट ट्राई प्लेस इन कैनॉट प्लेस। दिल्ली में मुझे थाली खानी थी, वट एवर इट मे बी, गुजराती और नॉर्थ इंडियन, तो मुझे ऑप्शंस मिलने रहे थे। मैंने जोमेटो चेक किया और मुझे ऑप्शन मिला गुप्ता जीज फूड्स, ये बहुत अच्छा जॉइंट है, ये कैनॉट प्लेस में ही है और यहाँ पे आप जरूर आना और थाली ट्राई करना। 180 रुपीज लगते हैं और 4-5 रुपए कुछ GST, तो इट्स अ वेरी गुड डील। यहाँ पे अच्छे ऑप्शन होते हैं। मुझे दो सब्जी मिली, उसमें एक शाही पनीर था और एक मिक्स वेज था, और रोटी थी, रोटी भी व्हीट रोटी थी, ये मैदा की नहीं थी, और पुलाव था और एक स्वीट था और गुलाब जाम भी था और सलाद भी था। तो इतना अच्छा था 180 रुपीज में, एंड आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय देयर सर्विस। बहुत अच्छे लोग हैं, आपको गाइड भी अच्छी तरह करेंगे क्या लेना है आपको अगर सोलो आते हो। तो इस प्रकार आप गुप्ता जीज फूड में आ सकते हो कैनॉट प्लेस पे और एक अच्छा मील एंजॉय कर सकते हो 180 रुपीज में। मेरे हॉस्टल का रूफ टॉप आपको मैंने पहले वीडियोस में दिखाया था और यहाँ पे बहुत एम्पल स्पेस थी बैठने के लिए और टाइम पास करने के लिए। तो यहाँ पे मैं दोपहर को आने का आफ्टर लंच और यहाँ पे मैं स्वीट्स मंगाने का, तो यहाँ पे एक दिन मैंने बीकानेर स्वीट्स में से स्विगी से ये गाजर हलवा मंगाया था, इतना अच्छा गाजर हलवा था और बहुत टेस्टी था और ये मैंने 2 दिन कंटिन्यूस मंगाया है। बीकानेर वाले का सर्विस भी अच्छा है, पैकिंग भी अच्छा था, जरा भी कुछ स्पेल नहीं होता था ये पैकिंग में, और बहुत अच्छा गाजर हलवा आपको अगर दिल्ली में आते हो तो यहाँ पे आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि इसकी टेस्ट और क्वालिटी बहुत A1 थी। और यहाँ पे आप इसकी जो डिलीवरी का टाइम भी था वो भी बहुत कम था, मतलब 20-25 मिनट्स में आपको ये गाजर हलवा मिलता था और क्वांटिटी भी अच्छी थी। तो मस्ट ट्राई इन दिल्ली।
मैं सरोजिनी नगर मार्केट में शॉपिंग कर रहा था, दोपहर का टाइम था और ठंड ज्यादा थी, तो यहाँ पे अचानक मुझे एक समोसे वाला दिखा। इसके समोसे इतने अच्छे और इतने टेस्टी थे, 10 रुपए में 2 बेच रहा था और मजा आ गया खा के। तो आपको मस्ट ट्राई इन सरोजिनी नगर मार्केट, दोपहर को आपको समोसे वाला मिलेगा। यहाँ पे चाट्स के भी प्लेंटी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आपको सेव पूरी पानी पूरी ये भी मिलेगा और आपको छोले भटूरे ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे। तो मस्ट ट्राई ऑप्शन इन सरोजिनी नगर मार्केट। करोलबाग में ये रेस्टोरेंट है पंजाब स्वीट कॉर्नर करके। अगर आप करोलबाग में शॉपिंग के लिए आते हो, दोपहर का टाइम है या फिर शाम का टाइम है, तो आप यहाँ पे जरूर आना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है और सस्ता खाना है। मैंने यहाँ पे रोटी सब्जी ट्राई की थी जिसकी प्राइस थी 175 रुपीज इंक्लूडिंग GST एंड एवरीथिंग। या आप नीचे खड़ा रहकर भी खा सकते हो और ऊपर रेस्टोरेंट भी है अगर फैमिली के साथ आते हो तो मस्ट ट्राई ऑप्शन इन करोलबाग। और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे पर ये कुछ यूनिक ऑप्शंस थे जो मुझे अच्छे लगे थे दिल्ली में। तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बेस्ट फूड इन दिल्ली फॉर सोलो ट्रैवलर्स अच्छा लगा रहेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।